मैं मुझे कोई किसी ने नहीं उठाया, मैं अपनी जाती मसरूफात में था और जाती मसरूफात से मैं आज सोच रहा था। जिस चार पाँच दिन मैंने ये सोचा, इस सोचने के बाद 9 मई के बाद 8 मई तक मेरा कोई पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं था, कोई इरादा नहीं था। 9 मई की शाम को मैंने जब देखा कि ये नुकसान हुआ है, फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैंने 4-5 दिन मुझे सोचने में लगा और मुझे मैं बगैर किसी दबाव के पार्टी छोड़ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए रो रहा हूँ, मुझे कोई दबाव नहीं है। मुझे किसी का कोई इल्म नहीं है, मैं अपनी ज़ात तक बता सकता हूँ। मैं ये वादे कर दूँ, मुझे न किसी ने उठाया था और मैं नहीं, मुझे कोई दवा है। मैं अपनी, जब मुल्क डूबने की तरफ होता है तो इंसान को तकलीफ होती है। देखो, जहाँ तक जिन से मेरा ताल्लुक है पार्टी में, मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी में बहुत बड़ी पार्टी है। जिन से मेरा ताल्लुक़ है, जिनसे हमें इकामात आते थे, हमें कोई इस तरह के इकामात नहीं थे जिसमें हम ये जाके किस तरह का बड़ा नुकसान करें। अब आप उनसे, उन वर्कर, उन लोगों की तलाश करें जिन लोगों ने ये किया है, वो उनका किस से ताल्लुक़ है, किस पार्टी से ताल्लुक़ है, किस पार्टी में किन अफराद से ताल्लुक़ है, उनको कहाँ से डायरेक्शन मिली है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी ज़ात तक बता सकता हूँ, मेरी विंग में या मेरे, हमें न कोई एकाम इस तरह के मिले थे। हाँ, पुरमन एहतजाज का हमें हमेशा काल दी गई, वो हमने 13 महीने पुरमन एहतजाज किया, वो जारी रखा। बाकी जो कुछ आपके सामने हुआ है, नुकसान तो हुआ है। मैं समझता हूँ फौजी तनसीबात का जितना नुकसान हुआ है, ये पाकिस्तान का नुकसान। फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। देखो, बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें हर बंदे की अपनी सोच होती है। आप अगर 10 बंदे में से अगर 9 बंदे अच्छे हैं तो आप एक बंदे का कसूर 9 को नहीं ठहरा सकते। आपको उन शतपसंद को पकड़ना चाहिए जिनकी डायरेक्शन पे हुआ है। आप सबको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है, और मैं समझता हूँ इस मामले पे सबको मजम्मत करनी चाहिए जो इस अमल का हिस्सा नहीं है। मैं बोलता हूँ, जो कल सदर आरिफ अलवी साहब, मैं सदर आरिफ अलवी साहब का भी शुक्रगुजार रहूँगा, जिनकी मैंने सरबराही में या सिंध में काम भी किया था। मैंने रात उसका पूरा इंटरव्यू सुना है, मैं समझता हूँ एक अच्छा इंटरव्यू दिया है, अच्छे मशवरे सदर साहब ने दिए हैं। मैं समझता हूँ उन मशवरों पर अमल करना चाहिए। मेरे इलम में नहीं है कोई नई पीटीआई बन रही है, पीटीआई तो एक ही नज़र आ रही है। बाकी पीटीआई अगर कोई बनती है तो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि हमसे बेहतर आप जानते हैं इन चीज़ों को। ये अभी पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि मैं मौजूद हूँ, मैं घर से आया हूँ, तो उनको पता होना चाहिए कि मैं घर से आ रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ इस पर कोई हकीकत है। आप अगर आप रिज्यूमी हैं, अगर आप भी इंसान को समझते हैं तो बेहतर है, फिर आप ही जो समझे। मैं आपको कहीं देखो, हर इंसान अपना फैसला खुद करता है, और जो वाक़ात हुए हैं वो बेहतर समझते हैं किस कौन बंदा किस मराइल से गुजरा है। मैं समझता हूँ हर बंदा अपना ज़िम्मेदार रहता है। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किसी और की तो बात नहीं कर, हर बंदा अपना फैसले करने का इख्तियार रखता है।
नहीं, कभी इमरान खान साहब ने ये बात नहीं बोली कि सिंध मेरा सूबा है, सूबा नहीं है, वो सिंध में आए। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म का जब हलफ उठाया था उसके बाद उस थरपा कर आए थे, नोड़े साहब को पता होगा थरपा कर आए थे, तो उसने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, सूबों की बात की है।